हेलो एवरीवन, मैं शशि मिश्रा। मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए तिल मावा मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी चल रही है, तो आप चाहे तो अपने घर में कई तरह की मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर मैंने कई तरह की, 4-5 तरह की वीडियो बनाई है ये मोदक की, जिसमें पंजीरी मोदक है, मावा मोदक है और पनीर मोदक है। उसके बाद जो चावल के आटे से बनाते हैं वो है, और अभी मैंने मूंग दाल की मोदक डाली है, और ये है तिल वाला। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आप उसमें से देखकर बना सकते हैं। तो ये तिल मावा मोदक जो है बहुत ही मतलब अच्छा मोदक है। आप इसे आसानी से, घर में तिल है तो बना सकते हैं, अगर मावा नहीं है तो इसे चाशनी में भी बना सकते हैं, गुड़ में भी बना सकते हैं। तो ये तिल है, मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के इसे ले लिया है। अगर धूप नहीं है और जल्दीबाजी में अगर बनाना है तो इसे तुरंत 10 मिनट पहले इसे धो लीजिए, धोकर छन्नी में छान लीजिए और इसे गर्म कढ़ाई में भून लीजिए। तो मैंने भी वैसे ही किया, देखिए बिल्कुल पानी है इसमें और पानी सारा निकल गया। अभी अभी मैंने इसे 10 मिनट पहले ही धोया है, सुखाने की ज़रूरत नहीं है। अब गर्म कढ़ाई में इसे भून लेंगे। कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो मैंने भी रखी है कढ़ाई, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है और ये धुला हुआ 10 मिनट पहले धुला हुआ तिल है। अब इसे इसमें डाल के, ये देखिए अभी बिल्कुल गीला है, पानी भी निकल रहा है इसमें से। तो इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है, इसमें हमें घी या कुछ भी नहीं डालना है, बस ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए चिट चिट की आवाज़ आने लगी है इसमें, आप समझ जाएं कि हमारा तिल जो है अच्छे से भुन चुका है। आप गैस ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे ठंडा कर देंगे। चाहे तो आप, अगर जल्दी बनाना है तो पंखे के नीचे इसे रख दें, ऐसे तो ये ठंडा हो ही जाता है। तो ये भी हमारा ये जो है मतलब 5-6 मिनट में ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ क्या करना है। तो ये ठंडा हो चुका है, अब इसे पीस कर हमें पाउडर बनाना है। देखिए दो बार में करके हमें पीसना है, ये नहीं कि पूरा एक ही बार में पीस लें तो ये अच्छे से पीस नहीं पाएगा, मतलब यानी पाउडर नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में इसे हमें पाउडर बना लेना है। तिल को पीस कर मैंने पाउडर बना लिया है, अब चलिए बनाने के लिए तैयारी करते हैं। यहाँ पर रख दिया मैंने कढ़ाई, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसमें हमें डालना है मावा, और मावा को हम अच्छे से भूनेंगे और इसे तब तक भूनना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है, भून कर तैयार करेंगे। अभी अभी ये देखिए थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट ब्राउन होने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी और साथ ही डाल देंगे ये कटे हुए काजू, किशमिश और बादाम, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर या कुटी हुई इलायची डाल दीजिए और इसे फिर हमें अच्छे से भूनना है। ये है नारियल का बुरादा, यानी देसी कहते कोकोनट, तो इसे भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से हमें और 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेना है। कलर चेंज हो गया है, अब हमारा ये पिसा हुआ तिल है इसको इसमें हम डाल देंगे। और इसे अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट और भून लेना है। ये थोड़ा थोड़ा घी छोड़ने लगा है क्योंकि मावा में घी होता है, तो मावा भूनने के बाद उसमें अपने आप घी निकलने लगता है। तो ये अब हमारा ये जो मिक्सर है तैयार हो गया है, गैस बंद कर देंगे। इस मिक्सर को किसी प्लेट में निकाल दीजिए और थोड़ा ऐसे करके चारों तरफ फैला दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसका हम बनाएंगे मोदक। तो ये देखिए मिक्सर ठंडा हो गया है, अब हम बनाएंगे मोदक। तो मोदक का मोल्ड ले लीजिए, बिना मोल्ड के भी आप मोदक बना सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इसे हमें दबा लेना है, और मिक्सर को लेकर इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे हथेली से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर मोदक रेडी हुआ है। अब इसे हमें निकाल कर एक प्लेट में रखते जाना है। तो यहाँ एक प्लेट है, उसी में मैं रखते जाऊँगी। ऐसे ही हम सारे मोदक बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए मिक्सचर को लेना है और प्रेस करना है अंदर की तरफ से कि ताकि ये शेप अच्छे से बन सके। तो ये देखिए इसे ऐसे लेना है और ऐसे डालते जाना है, और थोड़ा सा और मिक्सचर लेना है और इसे हथेली से दबाना है या हाथ से जैसे भी, ताकि जो नीचे का शेप है वो भी अपना शेप अच्छे से ले ले। ये देखिए मोदक तैयार हो गया, ऐसे ही हम सारे मोदक बना लीजिए। तिल मावा मोदक भी रेडी है।
तो आज की रेसिपी तिल मावा मोदक की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली है मेरे पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।